लक्ष्मी परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल होने कोटा पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष के नए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम इसलिए रखा है क्योंकि जब भी यूपीए का नाम आता है तो जनता को घोटालों की याद आती थी, इसलिए कलंक को छिपाने के लिए नया नाम रखा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन तो बना लिया लेकिन ये लोग न तो कभी पहले एक थे और न अभी हैं और न आगे रहेंगे। ये भानुमति का पिटारा है जो कभी भी बिखर सकता है। वही वसुंधरा राजे के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में सब एक साथ चल रहे हैं, सब एक हैं और बीजेपी की सरकार बनाएंगे। पिटारा है, ये कभी भी किसी समय भी बिखर सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से एक घमंडिया गठबंधन है और जिसका INDIA नाम रखा है। नाम रखने से इनका जो यूपीए के ऊपर पहले जो एक आम जन के अंदर एक टैग लगा हुआ था कि उनका नाम आते ही कि इन्होंने जिस तरह से घोटाला वाला या इन्होंने जिस तरह से किया है, तो ये एक टैग मिटाने के लिए INDIA नाम दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि इनके राज्यों के अंदर वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं एक दूसरे के आमने सामने और यहाँ पर सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी के सामने लोकसभा में आना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ में और ये सभी अपने आप में अपने अपने स्टेटों के अंदर एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ने वाले हैं। संकल्प परिवर्तन संकल्प।